सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज योगी और आप देख रहे हैं YT Vlogs। आशा करता हूँ आप लोग हेल्दी और सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी अचानक हमारा प्लान बना मसूरी साइड या मैगी पॉइंट तक जाने का, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ड्रोन लिया है। तो अभी चलते हैं, उसने कहा कि आ जाओ भाई घूमने और थोड़ा ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे, और रात में थोड़ा भारी आज डिनर करेंगे, उसकी तरफ से पार्टी है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से, कातिल भी आज चल रहे हैं हमारे साथ। वैसे ये कहीं जाते नहीं है, घर पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आज चल रहे हैं क्योंकि हमने रात को डिनर भारी करना है। तो अभी ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है साइड में। तो अब निकलते हैं, फिर हो चुकी है स्टार्ट, कातिल बैठ चुके हैं और अब निकलते हैं। निकल चुके हैं घर से, आपको पता है रास्ता काफ़ी ख़राब रहता है हमारे यहाँ का, तो थार यहाँ के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो आगे से हमें आर्यन मिश्रा ज्वाइन करेंगे और फिर ऋतिक तिवारी के घर जाएंगे, वहीं से निकलेंगे हम। देखिए आप, वापस से निकालते हुए काफ़ी कीचड़ हो चुका है, देखिए पूरी तरह गंदी हो चुकी है, राइट साइड से भी अंदर तक कीचड़ पहुंच चुका है। आर्यन मिश्रा ज्वाइन हो चुके हैं। गाइस, हेलो गाइस। आज ये चश्मा पहन के पिठाई लगा के आए हैं, देख सकते हैं आप। और अब निकलते हैं सीधे ऋतिक तिवारी के घर, यहाँ से अंदर निकल चुके हैं। और ये है यहाँ का पुलिस ग्राउंड। पहुँच चुके हैं ऋतिक तिवारी के घर पे, अभी ऋतिक तिवारी के घर पे पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, अभी ड्रोन को अपडेट कर रहा है भाई, 75% ऑलमोस्ट हो चुका है। और फिर आज हम ड्रोन उड़ाएंगे फुल स्पीड में। भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू ड्रोन, पहले घर ही पे ट्राई करेंगे कैसा उड़ रहा है ड्रोन। ये देखो, हाँ हाथ पे ही ट्राई करेंगे। और ये देखिए, उधर बजा थोड़ा, टेक ऑफ करने के लिए तैयार। इसमें ज्यादा हवा आएगी, उड़ चुका है हमारा ड्रोन। देखिए आप व्यू, अल्टीमेट आपको अगर दिख रहा है, बहुत अच्छी है। वाओ, बट देखो मम्मी, देहरादून कितना प्यारा लग रहा है। सब ड्रोन को घर वापस लाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, आ चुका है हमारा ड्रोन वापस। निकल चुके हैं ऋतिक तिवारी के घर से, और अब देखते हैं कहां तक जाते हैं, मैगी पॉइंट जाते हैं या कहां जाते हैं। तो प्लान तो आगे बना लेंगे, बट पहले थोड़ा डीजल भरवा लेते हैं, क्योंकि तेल लगभग एंड पे आ गया है और डीजल काफ़ी लंबी लाइन है। पेमेंट हो चुकी है और अब पेमेंट हो चुकी है और निकलते हैं अब। मैगी पॉइंट जाना है, हाँ। तो मैगी पॉइंट के लिए निकलते हैं। यहाँ तो सांस नहीं जा रही है। और देखिए आप आगे के नज़ारे, नाइट व्यू। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं घंटाघर, देखिए आप क्या तगड़ा लग रहा है घंटाघर रात में। निकल चुके हैं मसूरी रोड के लिए, पहली बार देखा मसूरी रोड पूरी तरह खाली है लाइफ में, पहली बार। यहाँ बहुत क्राउड होता है, बट सैटरडे संडे ज़्यादा क्राउड रहता है आई थिंक। आज क्या है, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है तो शायद कम क्राउड है। थर्सडे है शायद, कल और परसों शायद रहेगा ज़्यादा क्राउड, कल से तगड़ा क्राउड। हाँ, तो आप लोग अगर ऋतिक तिवारी जी को बधाई देना चाहते हैं ड्रोन की, तो कमेंट करके लिख सकते हैं
हैशटैग भी दिखती वाली कांग्रेचुलेशन। तगड़े तगड़े ड्रोन शॉट से दिखाना है तुमको। शिव मंदिर पहुंच चुके हैं। जय शिव शंभू। आजकल वैसे भी सावन चल रहा है। इस मैगी पॉइंट पे हम ज्यादातर बैठते थे क्योंकि यहाँ पे से काफी अच्छा व्यू आता है, बट ये बंद है तो मूड नहीं कर रहा है ऊपर जाने का। सोच रहे हैं कि यहीं से वापस चल जाए। मूड थोड़ा खराब हो चुका है क्योंकि मैगी पॉइंट बंद है यहाँ पे। आज पता नहीं क्या हो गया है, मैगी पॉइंट बंद करके रखा है। तो अब वापस चलते हैं और डिनर आज भारी करना है। ऋतिक तिवारी की पार्टी आपको पता ही है, तो निकलते हैं वापस। पहुंच चुके हैं पैसिफिक के पास। यहाँ पे H&M नया खुला है अभी। ये है पैसिफिक मॉल। सीधा जा रहे हैं रेस्टोरेंट यूरी, वहाँ डिनर करेंगे। आज ऋतिक की तरफ से पार्टी है। आज पार्टी होगी। आज पार्टी भी ऋतिक भाई देगा। क्यों? ओके बिल्कुल। और ये हम पहुंच चुके हैं दून यूनिवर्सिटी, मतलब बंगाली कोठी चौक। बंगाली कोठी चौक से आपको लेफ्ट लेना है वापस के लिए मथुरा वाला चौक की साइड। और ये रहा सामने हमारा यूरी रेस्टोरेंट। ये है यूरी रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं। और अभी कार हम पार्क करते हैं यहाँ पे। ये है यूरी रेस्टोरेंट आप लोग देखिए। आज यहाँ भी भीड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स कहाँ पे बैठे हैं? इधर बैठेंगे। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे बैठते हैं। सो फ्रेंड डिसाइड हो चुका है, यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे बैठ रहे हैं अभी। इसे घेर लो जल्दी, घेर लो जल्दी। ओनर कैसे? आज खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज काफी तगड़ा फील होने आना है। आज काफी लूटने वाले हैं मीटिंग की गाड़ी को। खा लिया है, अब निकलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं बादाम शेक पीने। भैरूनाथ बादाम शेक आइसक्रीम। और ये हमारे बादाम शेक, ये लीजिए आप बादाम शेक पीजिए। एक एक करके। और ये है ऋतिक तिवारी का। और ये मेरा बादाम शेक है, देखिए आप। और फटाफट से बादाम शेक पीते हैं और निकलते हैं घर की ओर। बादाम शेक पी लिया है, पहुंच चुके हैं घर के बाहर। कार हमने खड़ी कर दी है। घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी थक चुके हैं, पेट भी काफ़ी भर चुका है। बहुत ज़्यादा खा लिया था और बादाम शेक तो आए हाय मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट भी करो वीडियो पे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।